गाइस मैंने आइसक्रीम रोल मंगाया है। रोल के अंदर आइसक्रीम है क्या? अलग से आने वाला है। हे गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कुछ धमाकेदार। आश्रेया और मैं जा रहे हैं लंच के लिए सेया का स्पेशल जगह पे। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखेगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस हम लोग आ गए हैं भांडुप के मैग्नेट मॉल में। तो देखते हैं, हमारा प्लान कुछ अलग था लेकिन हम लोग चेंज करते हैं, एक रेस्टोरेंट ऑफ है तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ कौन सा रेस्टोरेंट में बेस्ट फूड मिलेगा, हम लोग ट्राई करते हैं। है ना लोलो, मज़ा आने वाला है ना आज, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ओरियंट जंक्शन में, अगर आप लोगों को मलेशिया थाई और इंडोनेशिया फूड ट्राई करना है तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ। यहाँ का खाना बहुत ही बेस्ट है जो नियर बाय भांडुप मॉल है। अगर आपको इंडोनेशिया का खाना ट्राई करना है, इंडोनेशिया थाई हमें आजकल बहुत पसंद है चाइनीज़ क्यूज़िन, तो यहाँ सबसे बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी है, तो आप लोग ट्राई कीजिए यहाँ का। मैं यहाँ तो आ गई हूँ ट्राई करने के लिए, तो आप लोगों को बता दूंगी कैसा क्या है टेस्ट करके भी, और मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है वो भी। सोनू और मैं आए हैं चाइनीज खाने के लिए। सोनू को चाइनीज बहुत पसंद है। आप लोगों को तो पता है आजकल के बच्चे लोगों को जो है, और मोस्टली लोगों को वेस्टर्न और चाइनीज जो फूड है बहुत ज़्यादा पसंद है। आज सोनू चाइनीज ट्राई करेगी यहाँ का। कौन सा है कि थाई 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 फूड ट्राई करेंगे हम लोग। तो गाइस चलिए अंदर चल रहे हैं। देख ही सकते हैं, तो मेरा फूड तो ऑर्डर हो गया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक यहाँ एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग फूड ऑर्डर कर दिया है और कुछ टाइम नहीं है तो हम गेम भी खेल सकते हैं। इन्होंने यहाँ तब तक मैं चेस खेल लेती हूँ और आपको तब तक मैं रेस्टोरेंट दिखा लेती हूँ, आप रेस्टोरेंट को देख लीजिए। अंदर का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा है, तब तक रेस्टोरेंट। Thank you.
लगता है। वाओ, स्पीचलेस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत स्पाइसी स्वीट ओवरऑल सब कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुझे सोनू को आप देखे कितना प्यार से खा दिए, उसको बहुत अच्छा लगा। इनका आप देख सकते जो टोस्टिंग इन्होंने किया है, जो ग्रेवी के ऊपर इन्होंने जो ऐड किया हुआ है वो बहुत बहुत अलग है और हटके है। मुझे तो बहुत भूख लगी और इतना अच्छा लग रहा है कि बोले ना एकदम मुंबई भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एकदम फाड़ू है फाड़ू। स्टार्ट कर दिए सोनू ने खाना, कैसा है सोनू? सोनू को देखिए, सोनू यम्मी यम्मी है। सोनू को तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगता भी है। स्मेल अच्छा लग रहा है, स्मेल अच्छा है। सोनू बहुत शर्मा रही है अभी, वो बोल रही है कि इसका जो स्मेल है ना, फ्रेग्रेंस जो आ रहा है
बहुत ही अच्छा है, तो आप देख ही सकते हो कितना यम लग रहा है, शायद खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो चलिए फटाफट सर्व कर लेते हैं। ये जो पॉट राइस है इसके नीचे राइस है, फिर चिकन है, फिर वेजिटेबल है, फिर उसका जो ग्रेवी है कोकोनट का ग्रेवी, कोकोनट स्मेल आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी यम लग रहा है, फुल वेजिटेबल है। सुनो टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाते हैं। आप देख ही रहे हो कितना गर्म है इसका जो वाफ निकल, awesome है ना सोनू, बहुत ही टेस्टी है, सोनू को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ऑसम है, यम्मी ना, उसको बहुत अच्छा लगा एकदम, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हो ब्रोकली वगैरह है, ब्रोकली चिकन एंड बहुत सारे वेजेस एडेड किए हुए हैं, ये देखिए बहुत सारे वेजेस एडेड किए हुए हैं। तो गाइस फटाफट मैं खत्म कर लेती हूँ। तो गाइस ये रोल दिखाती हूँ कैसे खाना, इसके अंदर क्या स्टफ है आप देख सकते हैं, अंदर चॉकलेट है, क्रीम। सोनू को बहुत मजा आ रहा है मेरे साथ, और ये चॉकलेट के साथ, क्रीम के साथ, आइसक्रीम के साथ डिप करना है, और ये ऐसे खाना है। वाह यम्मी, सोनू का लिप देख सकते हैं पूरा चॉकलेट चॉकलेट हो गया है। अभी मैं खा के देखती हूँ, ठंडा अच्छा, आप देख सकते हैं, देखिए ये जो क्रीम है ना, आप ये देख सकते हैं जो क्रीम है ना, जो निकल रहा है ना, आए इतना भारी लग रहा है, अभी मैंने आइसक्रीम के साथ डिप कर दिया। बहुत ही अच्छे हैं, मैं बोलूंगी आप लोगों को यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिएगा, इसलिए 10/10 है, मैं इसको 10/10 रेटिंग दूंगी, तो बहुत अच्छी लगा। A few moments later.
तो गाइस चलिए बात करते हैं रेस्टोरेंट के मैनेजर ओनर से। थैंक यू, उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशियस टाइम निकाला इनका बिजी शेड्यूल से। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं मैनेजर से। तो ये रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि इनका पॉपुलर डिश क्या है और यहाँ का आइडिया कैसे आया है, क्योंकि थाई रेस्टोरेंट मलेशिया एंड इंडोनेशिया फूड और रेस्पॉन्स कैसे है यहाँ के कस्टमर के। रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छे हैं, बट अभी ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम पे थोड़ा सा हम लोग बिजनेस के वहीं से जो बिजनेस भी डाउन हो गया है। फूड वाइज हम लोग जो यूएसडी यूज़ करते हैं, हम लोग आजीरा मोटर एंड कलर यूज नहीं करते हैं बिल्कुल, जो भी है नेचुरल है, जो भी है नेचुरल है, क्योंकि लोगों को थिंकिंग है चाइनीज फूड मतलब उसमें अजीनोमोटो रहेगा, स्पाइसी होगा, कलर होगा, हम वो थिंकिंग को चेंज करना चाहते हैं। और कभी भी आओ हमारा रेस्टोरेंट में फूड ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। 80% हम लोग कोशिश करते हैं नेचुरल फूड यूज़ करने का। एंड बाकी जो आइडिया है सो ये है, ये भंडोग एरिया में ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स मेरे ख्याल से बहुत ही कम है ओरिएंटल में। जो ओरिएंटल में लाइक हम लोग सर्व करते हैं थाई, कोरियन, मलेशियन, तिब्बतियन एंड चाइनीज ऑल्सो। एंड ऑफकोर्स आपको अगर कभी भी ओरिएंटल का ऑथेंटिक फूड अगर टेस्ट करना है प्लीज़ कम एंड हैव फूड। तो गाइस मुझे तो यहाँ का फूड सच में बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं लगता भांडुप में इतना अच्छा आपको मिलेगा। ले थाई है, मैंने तो आज का जो डिश था मेरा थाई था, स्पेशली वो जो लास्ट वाला जो आइसक्रीम आपको मिलेगा देखने के लिए तो फैबुलस है, स्पीचलेस है। थैंक यू सो मच इंडू, में इतना अच्छा फूड मतलब इतना अच्छा क्यूजिन दिया है हमें, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, सब सूप है जो तिब्बतियन थुप्पा सूप है अपने पास, और बंगाली बेसिल सूप है जो आज के टाइम पे बंगाली बेसिल सूप रियल में बेसिल का लीव्स यूज़ करते हैं, ना पेस्ट ना कुछ, रियल का अच्छा जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा आता है। तो एंड स्टार्टर में भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि थाई में मिलेगा, पटका पोहा है, और चाइनीज में है, इंडोनेशियन में फाइव फाइव कोरियन चिकन विंग्स, बहुत सारा डिशेज इंट्रोड्यूस किया। पॉट राइस तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही एकदम, आपने तो देखा ही होगा, और पूरा वेजेस भरे हुए हैं, पूरा वेजेस चिकन, मैंने चिकन का मंगाया था, आप लोगों को तो पता है मैं चिकन बहुत पसंद है, तो बहुत ही अच्छा था। तो मैं रेकमेंड करूँ कि आप ज़रूर आइए, ट्राई कीजिए, गिवन अ चांस, मतलब ट्राई कीजिए कीजिए, तो आप ज़रूर नेक्स्ट टाइम आएंगे ही आएंगे, ये तो टाइम श्योर है, मैं तो आने वाली ही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनके यहाँ का खाना। तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं रेस्टोरेंट का टाइमिंग, डाइनिंग कब तक अवेलेबल है और ऑनलाइन फूड अवेलेबल है क्या नहीं है, कौन से साइट से, तो पूछ लेते हैं। चलिए वीकेंड वीकडे में 4 o'clock तक सीटिंग है एंड 11:30 to 11:30 तक पार्सल ऑर्डर हम लोग लेता है बाय स्विगी एंड जोमेटो, ऑफकोर्स टेक अवे में भी हम लोग करता है ऑल ओवर मुंबई। एंड राइट नाउ दिस पेंडेमिक टाइम पे सैटरडे हम लोग अभी सीटिंग बंद रखा है, बट ऑफकोर्स पार्सल चालू रखा है, ऑनलाइन भी चालू है, स्विगी जोमेटो में आप लोग ऑर्डर कर सकते हो एंड इन्जॉय कर सकते हो थाई फूड, कोरियन फूड के ऊपर। डाइनिंग तो चालू हो गया है, तो आ जाइए, वेट क्यों कर रहे हैं, अगर आपको होम डिलीवरी करना है तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इन्होंने अपना टाइम निकाला, तो बिजी शेड्यूल होता है, जरूर ये बात आप स्प्रेड कर दीजिए और एंजॉय करें, इंजॉय तो करेंगे, फिर आप सराउंडिंग देखिए, इनका जो सराउंडिंग बहुत ही अच्छा है, आप देख ही सकते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो यहाँ ही एंड करती हूँ।